हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना मावा बिना मिल्क पाउडर के बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बिल्कुल सस्ते में मिठाई। खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, बनाना बिल्कुल आसान है। इसे रक्षाबंधन इसे जरूर ट्राई करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको ही हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे भी अपने व्यूज और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम गैस पर बर्तन में 1.5 कप सूजी लेंगे, रवा सेमोलिना जिसके नाम से आप जानते हो। तो ये सूजी को हम लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे चलाते हुए भुनेंगे। ऐसे ही हम इसे चलाते हुए सेकना है। तो थोड़ी देर हमने सूजी को भुन लिया है, इसका कोई कलर हमें चेंज नहीं करना है। इसमें हम 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। अब इसे हमें फिर से भुनना है घी डालने के बाद। तो ऐसे ही चलाते हुए ही इसे भुनेंगे। तो इसको हमने थोड़ी देर और भुन लिया है घी के साथ। 2-3 कटके हुए बादाम इसमें हम ऐड करेंगे। आप ज्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं और काजू डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच इसमें हम कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम मावा और मिल्क पाउडर का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ध्यान रखें सूजी को हमें लो फ्लेम पर ही भुनना है, जिससे कि सूजी भुन भी जाए लेकिन इसका कलर चेंज ना हो। अब उसी बर्तन में हम 3/4 कप चीनी लेंगे। अगर मीठा ज्यादा खाते हो तो चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हो। 1/2 कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे। चीनी को हम इसमें मेल्ट होने देंगे। तो चीनी मेल्ट हो गई है। चीनी मेल्ट होने के बाद इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट सिर्फ पकाना है। इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है फ्रेंड्स, इसलिए सिर्फ 2 मिनट ही इसे पकाएंगे। तो 2 मिनट हमने इसको पका लिया है। गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे। जो भुनी हुई सूजी है इसे हमें इसमें ऐड करना है। 2 इलायची का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। तो इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, अगर पसंद करते हो तो जरूर डालें। इसे हम इसी में पकाएंगे, लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको थोड़ी देर पका लिया है। जो भी चीनी का पानी था वो इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच दूध ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप थोड़ा सा दूध ऐड कर देते हैं तो जो सूजी की बर्फी है वो कभी भी आपकी हार्ड नहीं होगी। तब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अभी हमने एक प्लेट ली है जिसमें हमने घी लगा लिया है। तो जो हमारा सूजी का मिक्सचर है वो हम इसमें डालेंगे, इसको फैलाएंगे। तो देखिए चम्मच की हेल्प से हमने इसको प्लेन कर लिया है फ्रेंड्स। आप चाहे तो स्टेम पे इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। तो इसे हम सेट होने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर हमने इसको सेट कर लिया है, पूरी तरीके से एकदम हमें सेट नहीं होने देना है इसे। अब इसमें हम कट लगा लेंगे, लेकिन पहले हम किनारे कट कर लेंगे। अब इसमें कट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसे हम ठंडा होने तक सेट करेंगे। तो मिठाई हमारी सेट हो गई है अच्छे से, ठंडा होने तक ही हमें इसे सेट करना था। तो किनारों को इसे एक साइड हटा देंगे। अब इसमें हम चांदी का वर्क लगा देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, इसे मिठाई का लुक अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो जरूर लगाए। तो अब आपको दिखाते हैं कि कितनी बढ़िया ये मिठाई बनकर रेडी हुई है। देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सेट होने में, सिर्फ 15 मिनट ही लगे हैं। 15 मिनट में बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। जो इसके किनारे है उसको तोड़ के दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट मिठाई है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट मिठाई है।
तो लीजिए, हमारे बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट मिठाई रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो इस त्योहार इसे जरूर घर पर ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ही हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ही हमारी रेसिपी कैसे लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।